आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के आदेश हैं। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश के परिपालन तथा आमजनों की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद रीवा पुलिस ने हेलमेट चेकिंग की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर रीवा जिले में दो पहिया वाहनों में चलने वालों को सुरक्षा के दृष्टि से हेलमेट लगाने वालों का चेकिंग अभियान आरंभ किया गया है। रीवा शहर के विभिन्न स्थानों में पुलिस विभाग द्वारा दो पहिया वाहनों की चेकिंग की गई तथा हेलमेट न लगाने वालों का चालान किया गया तथा उनके दो पहिया वाहन जब्त किए जाने की कार्यवाही भी की गई। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब दो पहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार में सीट बेल्ट लगाकर चलना अनिवार्य है। रीवा पुलिस द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग लगाकर इन दोनों नियमों के पालन के लिए कार्रवाई की गई है। नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए वाहनों को भी जब्त किया गया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।